नेक्स्ट डाउट बच्चों का क्या है, अभी से लेके मेन वन तक या जो भी आगे मेन्स आएंगे तब तक बच्चे काफ़ी नंबर में शायद अपने प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, तो कभी कभी बच्चों को कहता है कि उन टेस्ट को हम एज ए फीडबैक यूज़ करेंगे, वेल एंड गुड, बट मैं उसको एनालिसिस कैसे करूँ, टेस्ट का हमें एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा अगर तुमने 3 घंटे का टेस्ट दिया है तो हमें डेफिनेटली उसमें आधा एक घंटा जरूर लगा के पूरे उस टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, और उस टेस्ट का एनालिसिस ये करना चाहिए तुरंत ही बात करना चाहिए, मतलब जैसे ही मान लीजिए मेरे को सोल्यूशन मिल गया उसके बाद मेरे को एनालिसिस करना चाहिए, तो क्योंकि उस टाइम पे एवरीथिंग इज़ हॉट, तो तुम्हारे दिमाग में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी याद होंगी कि तुम क्या सोच रहे थे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो टेस्ट के एनालिसिस में सबसे पहले जो मोटा मोटा हमें क्या करना चाहिए कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और जो गलत हुए उसके रीज़न क्या है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग रहा था, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या मैंने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। इस तरह का जब एनालिसिस करोगे तो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें अपने आप चली जाएंगी और नेक्स्ट पेपर में शायद वो वाली मिस्टेक्स ना हो। फिर सोल्यूशन देख के ऑफकोर्स ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है कि हम घर पे जाएं पेपर देने के बाद और 5-6 क्वेश्चन और क्लिक कर गए, फिर मेरे को लगता है यार पेपर मेरे से एग्ज़ाम में नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो गए, तो दैट इज़ वेरी नेचुरल, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ ऐसा होता है। बट सोल्यूशन देखने के बाद एक बार मेरे को ये तो आइडिया लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे और ये क्वेश्चन मेरे को पहले राउंड में करने चाहिए, तो एक बार ये एनालिसिस ज़रूर करें कि पूरे पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को ईजी छांट के पहले करने चाहिए थे, उनमें से मैंने कितने क्वेश्चन आई मैनेज टू डू इट, आई मैनेज टू अटैम्प्ट, और फिर उसमें से कितना सही हुआ और गलत जो हुए उनका रीज़न क्या है गलत करने का, ये जरूर देखेंगे रीज़न क्या है गलत करने का, कि मेरे को फॉर्मूले याद नहीं थे, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग गया, इस तरह की चीज़ें हो सकता है, क्वेश्चन ही तो मैं कोई नई चीज़ सिखा रहा हूँ थ्योरी वाइज। तो इस तरह का एनालिसिस करोगे तो फिर 5-6 पेपर देने के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग कि कम से कम जो तुम पहले मिस्टेक्स कर रहे थे वो तुम्हारी मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी, और फिर टेस्ट देने का फ़ायदा भी है, टेस्ट को हम एज ए फीडबैक ही तो लेते हैं ताकि हम एग्जैक्ट पेपर वाले दिन मिनिमम मिस्टेक्स करें, बिल्कुल 0 मिस्टेक करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मिनिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स करें। तो आई होप यू विल बी यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट, ऑल द वेरी बेस्ट।